सिलेंडर वाला नहीं है इसमें, मतलब चार आ गया स्वराज 841 XM, चार सिलेंडर है इसके बारे में भाई जी थोड़ा बताएंगे, बताएं आप इसके बारे में। ये हमारा 41 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 841 XM जी जी, सेंसिंग लिफ्ट जी जिसको बोलते हैं जी, और ये डबल क्लच और सिंगल क्लच दोनों में है, और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1650 किलोग्राम है जी जी जी। कीमत क्या होगी इसकी? इसकी कॉस्ट जो है 540,000 रुपये है। 540 जी, बहुत बढ़िया जी। 6 फुट का रोटर वेटर बड़े आराम से ये चलाता है, 42 ब्लेड का बिल्कुल खींच लेगा। ये जो 735 से 39 HP हमारे यहाँ गांव में है, 7 फुटे चला रही है इससे, बहुत बढ़िया चलाता है, लोड मारने का मतलब ही नहीं है। स्वराज माने तो टॉर्क ताकत, स्वराज ताकत के लिए ट्रैक्टर जाने जाते हैं। हमने 44-10 साल रखा है, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं था जी जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर स्वराज के। खैर सभी मॉडल बढ़िया हैं दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी मैं इसी वीडियो में एक और ट्रैक्टर दिखाता हूँ, स्वराज 735 FP, ये 39 HP में है, 100x180 का बोर स्टॉक है, इसके बारे में आप काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है ये भी। और क्या हाल है इधर, 744 खड़ा है, इसमें नया मॉडल दिया है, पावर स्टेयरिंग है और मुड़ा हुआ एक्सेल है, बहुत बेस्ट, हाइट भी कम है, ये अच्छा लगा, धूरा जो है ना बैंड हुआ है, आगे वेट दिया है इसमें। अच्छा वेट की क्या जरूरत रही इसमें, वेट उठता है नहीं ये, है आलू की मशीन के लिए। अच्छा आलू के लिए, अच्छा पावर स्टेयरिंग में लंबाई भी घटा दी उसकी वजह से आलू होगी। ये 44 का एक नया मॉडल है, इसमें आगे वेट दिया है और पावर स्टेयरिंग में एक्सल भी मुड़ा हुआ है, हैंड एक्सल, बहुत प्यारा ट्रैक्टर है, किसी भाई को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।